रहे हैं जन्नत की दुकान न्यूज। समापन समारोह का ये है कि भागवत जी का महात्म ये है कि भागवत चार शब्दों का समावेश है, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से त्याग। जहाँ इन चार शब्दों का समावेश होता है उसका नाम भागवत है। और भा के कहे से भाग खुल जाते हैं, गा के कहे से गर्भमान मिट जाते हैं, वा के कहे से वासुदेव मिट जाते हैं, ता के कहे से तीनों ताप मिट जाते हैं। भागवत की वो महिमा है जो एक बार इस भागवत की शरण में आ जाता है। एक अक्षर के कहे से यह लोग छूट जाते, द्वै के कहे से भाव द्वैत मिट जाते हैं। प्रभु की कृपा से कहूँ सप्ताह सुन लेते तो वैकुंठ को निवास खास ताहे मिल जाते हैं। भागवत हमारे चार वेद, छह शास्त्र और 18 पुराणों का सार है। वेदों निष्ठा सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा तथो भाति प्रतिभूता फलाकृति। यह तो वेद उपनिषद का सार है। और वेद तो भाई वृक्ष है, लेकिन ये वेद वृक्ष का पका हुआ फल है ये भागवत। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, जो यहाँ भक्त उमड़े हैं, कम से कम 2000 से ऊपर भी भक्त यहाँ आ चुके हैं, 2000 से ऊपर बढ़ कर के आए हैं। यहाँ का वातावरण, यहाँ का रहना सहना और यहाँ की भक्ति के बारे में वर्णन नहीं कर सकता, बहुत अच्छा लगा। बस ये मैं भागवत जी की शरण में, आप जहाँ भी जाएं भागवत जी की शरण में भेजो लोगों को, ताकि ये भागवत साक्षात्कार में भगवान कृष्ण का स्वरूप है। भगवान का दर्शन करने के लिए हमको भागवत जी की शरण में जाना ही पड़ेगा, कन्फर्म। अनेक होते हैं दीक्षा गुरु, एक होता है। हमने बहुत लोगों को देखा है, गुरु जी बना लिए, फिर आज से शब्द हट गए, फिर दूसरे गुरु जी बना लिए, फिर उससे शब्द हट गए, फिर तीसरे गुरु जी बना लिए। एक जगह में कथा कह रहा था, सही बताऊं, बिल्कुल सच्ची बात, कथा विराम हो गई। एक वृद्धा माता जी मेरे पास में, महाराज जी तुम मेरे गुरु जी बन जाओ। मैंने कहा अम्मा अवस्था कितनी तुम्हारी, महाराज जी मैं 75 वर्ष की हो गई। मैंने कहा अम्मा जी अभी तक तुमने दीक्षा नहीं ली, कोई किसी को गुरु नहीं बनाया। अजी महाराज जी क्या बताऊं, गुरु जी तो 4 बना लिए मैंने। मैंने कहा फिर क्या हुआ, बोले महाराज जी क्या बताऊं, 4 गुरु बनाए और चारों के चारों मर गए। मैंने कहा अम्मा जी अब मेरा नंबर आ गया क्या, और जिसको भी तू गुरु बनाती है उसी को तू टेढ़ी टांग वाली करवा के पास में कॉरियर कर देती है, तो मैं तो तुझे गुरु बनाऊ, तुझे शिष्य कभी बनाऊ। मैं नहीं बोलो अरे कौमार आचरित प्राचो, भगवान का भजन करने के लिए गुरु की शरण में कौमार अवस्था में चला जाना चाहिए। फिर उद्धव ने 26 प्रश्न किए हैं भगवान कृष्ण के पास सामने, सम नियम आ दम प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान उपरते, पुण्य क्या है पाप क्या है, पंडित कौन है मूर्ख कौन है, धर्मात्मा कौन है पापात्मा कौन है, ऐसे करके
आज 26 प्रश्न किए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने 26 प्रश्नों का उत्तर उनको नियम से क्रम से देना प्रारंभ कर दिया और फिर उद्धव ने उपदेश लेकर के भगवान कृष्ण की चरण पादुकाएं अपने सिर पर धारण की और बद्र का स्वर्ग चले। इधर भगवान एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वही आया वही ने तीर छोड़ दिया। गोविंद ने अपने लीलाओं का स्मरण कर लिया और जिस समय भगवान गोविंद अपने गोलोक धाम में पधारे उसी समय घोर कलयुग आ गया। जब घोर कलयुग आएगा गंगा यमुना में जल नहीं रहेगा, गाय विष्ठा को खाने लगेगी, भाई भाई के प्रेम में कमी आ जाएगी, भाई भाई के सम्मान को देख कर ईर्ष्या करेगा। और अभी विष्णु पुराण कह के आया हूँ मैं मुरैना में, तो वहाँ विष्णु पुराण में लिखा मानव की उम्र ही 20 वर्ष से हो जाएगी। जैसे अब 80 और 90 वर्ष जीते ना उस समय 20 वर्ष उम्र रहे और 12 वर्ष की कन्या उसमें लिखा था कि मां बन जाए 12 वर्ष। और जब घोर कलयुग आएगा वर्ण धर्म व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। वो फिल्म का गाना है ना, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी कौआ मोती खाएगा, मंदिर सुने सुने होंगी भरी रहेंगी मधुशाला, बीच सभा में सबके आगे नाचेंगे घर की वाला, जो होगा जोगी और भोगी वही योगी कहलाएगा। भोगी चाहे कितना भी हो, बड़ी बड़ी लटा हो, लंबी लंबी दाढ़ी हो, और जो होगा जोगी और भोगी वही योगी कहलाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग धर्म होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी, बात बात पर मात पिता को बेटा आग दिखाएगा। रामचंद्र के गए सिया से ऐसा कलयुग, कलयुग का वर्णन किया, फिर कलयुग के पुण्यों का वर्णन किया। और इधर वर्णन करने के बाद में आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित अब तुमने बहुत प्रश्न किए, तुम्हारे मन में कोई और प्रश्न है? बोले ना गुरुदेव अब कोई प्रश्न नहीं है। बोले तुम प्रश्न नहीं कर रहे तो मैं प्रश्न कर दूं? बोले करो गुरुदेव। बोले तक्षक नाग आएगा? राजा परीक्षित बोले हाँ तक्षक नाग आएगा गुरुदेव। बोले तुझे मैं दंश मारेगा? ना गुरुदेव ना, मुझे मैं दंश नहीं मारेगा। बोले क्यों? बोले तक्षक नाग तो इस शरीर में दंश मारेगा। बोले शरीर तुम नहीं हो? ना गुरुदेव शरीर मैं नहीं हूँ, मैं नाम आत्मा का है, आत्मा नाम परमात्मा का है और आत्मा को कोई नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहत अर्गोयाद ऐसा प्रेम का पाठ पढ़ाया। और उस प्रेम के पाठ को पढ़ करके राजा परीक्षित को जो प्रेम का सागर है ना, तो प्रेम का सागर कौन है मालूम है? प्रेम का सागर कौन है नहीं मालूम? ऐसे से करो हे भगवान। हाँ प्रेम का सागर है भगवान और प्रेम सागर में डुबकी लगाने के लिए तुमको प्रेमी तो बनना पड़ेगा। आओ एक फिल्म का गाना है गुनगुना ले। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, बहुत अच्छा लगा। जो यहाँ भक्त उमड़े हैं कम से कम 2000 से ऊपर भी भक्त यहाँ आ चुके हैं, 2000 से ऊपर बढ़ करके आए हैं। यहाँ का वातावरण, यहाँ का रहना सहना और यहाँ की भक्ति के बारे में वर्णन नहीं कर सकता, बहुत अच्छा लगा। बस यही है मैं भागवत जी की शरण में, आप जहाँ भी जाएं भागवत जी की शरण में भेजो लोगों को, ताकि ये भागवत साक्षात्कार में भगवान कृष्ण का स्वरूप है, भगवान का दर्शन करने के लिए हमको भागवत जी की शरण में जाना ही पड़ेगा कन्फर्म। Thank you.
ऐसे बरसाया है कि आप कहीं पे भी सुनेंगे, किसी भी सुनेंगे, बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। पूरे क्षेत्र के अंदर 701 कलश यात्रा जो हुई है उसको देख करके हर आदमी गदगद है, कभी आज तक इस क्षेत्र के अंदर हुई है। और 7 दिन तक जो इस पंडाल के अंदर जो इतना भव्य प्रोग्राम रहा है, मैं इतनी माताओं का, बहनों का, भाइयों का बहुत ही आभारी हूँ। बहुत ही शांतिपूर्वक गुरु जी ने इतनी अच्छी भागवत कथा का ज्ञान बरसा है। सभी देख करके, हर आदमी देख करके, बड़ी पूरे क्षेत्र के अंदर बड़ी भारी चर्चा है। माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हरिवंश जी भी आए हैं आशीर्वाद लेने के लिए, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी आए हैं, हमारे बहुत ही संघ के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सतर के भी और दिल्ली प्रदेश के भी बहुत ही अधिकारी आकर के उन्होंने देख करके बहुत ही सुंदर व्यवस्था, मैं पूरे क्षेत्रवासियों को, अपने साथियों को बहुत ही आभारी हूँ। इतना सुंदर व्यवस्था के अंदर उन्होंने मेरा साथ दिया, मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, पूरा मीडिया प्रभारी भी, मीडिया का भी बहुत ही आभारी हूँ। उन्होंने जो इतनी सुंदर व्यवस्था देख करके पूरे क्षेत्र के अंदर भगवत का जब ज्ञान फैलाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। कथा से क्या सीख मिली सर आप लोगों को, कथा से क्या सीख मिली आप लोगों को जी? कथा से तो देखो, हम धार्मिक प्रवृत्ति के तो नहीं, पहले धार्मिक आदमी है, तो धार्मिक की तो कथा क्या होता है कि भी किसी का गलत काम मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, सेवा भाव में लगे रहो। वो परिवार की तरफ से हमारे को शुरू से हमें मिला हुआ है। पूरे क्षेत्र के अंदर आपने देखा होगा, 5 साल के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर रह करके भी हमने समाज सेवा की है, न कि हमने पॉलिटिक्स की है, और आज भी सेवा कर रहे हैं। आज भी हमारे क्षेत्र के अंदर हमारे पूरे 9 से लेकर 12 बजे तक पूरे संस्था के लोग बाग आते हैं क्षेत्र के, उनकी सेवा में लीन रहते हैं। मैं बहुत ही आभारी हूँ क्षेत्र के लोग बाग, आज भी मुझे विश्वास करते हैं कि आकर के मेरे पे काम के लिए कहते हैं और काम होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे दिल्ली सरकार का हो, चाहे MCD का हो, कहीं पर भी हम टेलीफोन करते हैं, भगवान की कृपा से हमारे काम होते हैं।